भैया मैसी वाले कलाकारी करने से बाज नहीं आ रहे। इस ट्रैक्टर में भी इन्होंने दो कलाकारी कर दी है, एक करी है लिफ्ट में और दूसरी की है पीटीओ में, और तीसरी एक गियर वाली भी है लेकिन वो नॉर्मल है, सब ट्रैक्टर में होता है। जो लिफ्ट की बात करूँ तो लिफ्ट इसकी ऐसी इन्होंने कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल पर लिफ्ट जा सकती है, और वो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा सब आपको क्या क्या किया उन्होंने। दूसरी की है पीटीओ में, पीटीओ इसकी ऐसी कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि पीटीओ भाई ऐसी भी पीटीओ हो सकती है। भाई सब में तो नॉर्मल होती है, एक गियर लगाया पीटीओ चल गई, दूसरा गियर लगाया रिवर्स हो गई, तो सबकी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इसके टायर से, 750/16 का इसका फ्रंट का टायर है, और इंजन की बात करें तो इंजन मिल जाता है इसका 58 हॉर्स पावर में, 3 सिलेंडर का इंजन है और रोटरी पंप के साथ आता है, और इंजन बिल्कुल एकदम कवर किया हुआ है, बस कहीं कहीं देखने को इसको नंगा देखने को मिलता है, बाकी सब ढका हुआ है। और सिम्पसन का इसमें इंजन है और बहुत ही रिलायबल इंजन है, जाना माना अच्छी पावर ये आपको निकाल के देता है, और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी पावर का इंजन है। और ये जो आप सामने जाली देख रहे हैं ये बड़ी जाली दी हुई है जिससे कि ज़्यादा हवा अंदर जा सके और इंजन को ठंडा रख सके। फ्रंट में लोगो है और ड्यूल बैरल इसमें हेडलाइट दी हुई हैं, एक ही लाइट में दो बल्ब मिलते हैं, बहुत ही अच्छा थ्रो ये निकाल के देता है, रात के समय में तो एकदम ऐसे समझ लो कि दिन निकल गया। और जो फ्रंट का एक्सल है वो एडजस्टेबल है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो इसकी चौड़ाई है उसको कम बढ़ती कर सकते हैं। और इंजन में आप देखिए कि कैसे कैसे इन्होंने सिस्टम लगा रखा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें आपको हेड गार्ड मिल जाता है, नीचे पैर रखने के लिए एक पायदान मिल जाता है, इधर ग्रैब हैंडल है, और जो पायदान है वो भी बिल्कुल हैवी लगा रखा है, पैर रखने के बाद वो झुकेगा नहीं भाई। और जो पीछे का टायर है वो है 16/9/28 का, और इसमें आपको वेट भी देखने को मिल जाता है, 35 किलो की प्लेट लगी हुई है बीच में एक। बढ़ते हैं पीछे की तरफ, तो भाई पीछे इसमें बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये है इसका ऑब्जरी वाल्व, और ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको इसमें लगा हुआ मिलता है, जैसे आजकल कल्टीवेटर भी और आपका डिस्क भी हाइड्रोलिक आती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। और इसकी पीटीओ है, पीटीओ मिलती है 540 चक्कर में, और जो इसके जो बाकी के जो इसमें ऑप्शन है पीटीओ में वो आके मैं सीट पे बैठ के दिखाऊंगा क्या क्या इसमें चीज़ें नहीं दी हुई हैं। और पीछे आपको और छोटी छोटी आपको सहूलतें मिल जाती हैं, ये आपको टॉप लिंक को सेंस करने के लिए इसमें लिफ्ट के लिए अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, और जो आपको हाइड्रोलिक वाले इम्प्लीमेंट लगाने हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, आप यहाँ से पढ़ के इसको लगा सकते हैं। और बढ़ते हैं दूसरी तरफ, ट्रैक्टर के दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है और कैसा दिखता है ये। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ कि भाई ये इंजन एकदम ढका हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये कवर किया हुआ पूरी तरह, और कहीं कहीं से आपको ये इंजन थोड़ा देखने को मिलेगा, नहीं तो पूरी तरह कवर है। और आपको इसमें सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक जैक मिल जाता है स्टेयरिंग में, और लिंक रोड के साथ दोनों टायरों को जोड़ा गया है और लिंक किया हुआ है। और बात अब मैं करता हूँ जिसमें कलाकारी की है, लिफ्ट वाली और पीटीओ वाली। पहले बात करते हैं लिफ्ट की, भाई लिफ्ट इसकी ऐसी ख़तरनाक कर दी है ना भाई, आप सोच नहीं सकते कि भाई इसकी लिफ्ट मैसी ऐसी भी तैयार करके दे सकता है, भाई किसान के लिए एकदम वरदान समझ लो भाई, इतना ज़बरदस्त काम किया है ना लिफ्ट पे, और बंदा सोच भी नहीं सकता कि सोचेगा कि भाई इसमें दो लीवर होंगे, एक ड्राफ्ट कंट्रोल का और एक डेप्थ का, तो उसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा भी बहुत सी इसमें चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए ये लिफ्ट का सारा जुगाड़ है, इसके ये बाद में बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया इसका जो कम्फर्ट है, नेक्स्ट लेवल का कम्फर्ट मिलता है आपको इसमें, एकदम ऐसे लगता है भाई पता नहीं आप मतलब कोई ऐसी जगह पर बैठ गए जिसमें आप ये समझ लो कि हर कंट्रोल इसके आपके हाथ के पास में रहेगा। और ऐसा इसका कुछ देखने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ऐसा नहीं कि छोटा सा दे दिया, बड़ा दिया हुआ है, आरपीएम मीटर देखो कितना बड़ा दिया हुआ है इस, और सामने से व्यू देखने में ऐसा लगता है। और ये इसके इंडिकेटर दिए हुए हैं, यहाँ पर मिल जाता है हॉर्न, इधर दिए हुए लाइट के कंट्रोल, और इसी के ऊपर दे रखा है हाथ वाली ये रेस दी हुई है, मैं इसको क्रूज़ कंट्रोल भी बोल देता हूँ क्योंकि एक बार ये सेट कर दो वहीं पर चलता रहता है। और इधर मिल जाता है इसका हाई लो का गियर, हाँ जी हाई लो का गियर दिया हुआ भाई, ये शटल गियर नहीं है, ये हाई लो का गियर है, और ये गियर इस्तेमाल होता है मेन गियर के साथ, और एक इसका हाई लो गियर और है वो दिया हुआ है इसका नीचे यहाँ पर, जहाँ पर आम ट्रैक्टर में गियर मिल ही जाते हैं, ये इसका हाई और लो है, और जो ऊपर वाला है वो भी इसका हाई लो है, ये मेन गियर के साथ मिल के काम करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि भाई दोनों में न्यूट्रल दिया हुआ है,
ये देखिए इसमें भी न्यूट्रल है, ऊपर भी न्यूट्रल था, और ये टोटल चार स्पीड ये तैयार कर देते हैं और मेन गियर के साथ इंटू चार होके भाई ये गियर चार गुना हो जाते हैं। ये इसका आपको मैं बताऊं पीटीओ का, शुरुआत करते हैं पीटीओ से जो कलाकारी की है पीटीओ वाली। ये इसका पीटीओ का एक गियर ये है, एक है ऊपर, नीचे वाला गियर है मैं बाद में बताता हूँ कि क्या है, पहले बात करते हैं ये वाली। ये गियर है एल पीटीओ लिखा हुआ है इस पर, एक चलेगा लाइव पीटीओ, एक है जीएस पीटीओ ग्राउंड स्पीड पीटीओ, और एक है मल्टी स्पीड पीटीओ। भाई आप सोचोगे भैया इतना सारा लिख दिया, ये है ब्लाह क्या है क्या, जो एल पीटीओ वो लाइव पीटीओ मतलब वो एक चक्कर पे चलेगी, 540 चक्कर पे वो फिक्स मिलेंगे आपको, 1700 के आसपास आरपीएम रखेंगे इंजन के तो ये 540 चक्कर पे चलेगी, जैसे रोटावेटर को फिक्स स्पीड चाहिए तो उस पे चलती रहेगी। और दूसरा है भाई ग्राउंड स्पीड पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ वो है जैसे बीज बोने की मशीन है तो भाई उसमें ग्राउंड स्पीड पीटीओ चाहिए होती है, जैसे टायर घूमेगा वैसे ही पीटीओ घूमेगी, जैसे टायर रुक जाएगा वैसे ही पीटीओ रुक जाएगी, वो होगी ग्राउंड स्पीड पीटीओ। और तीसरा है मल्टी स्पीड पीटीओ। मल्टी स्पीड पीटीओ क्या है भैया, ये जो ये पीटीओ है वो गियर के साथ चलेगी, जो इसका मेन गियर है जिससे ट्रैक्टर आगे पीछे होता है उस गियर के साथ चलेगी, और नीचे वाले गियर को क्या करेंगे जो ये है हाँ इसको हम न्यूट्रल कर देंगे तो भी इसके टायर नहीं घूमेंगे, खाली पीटीओ घूमेगी, और ये आपके जो अपने अपना जो स्पीड है वो गियर के साथ करेगी। चौथे में लगा देंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तीसरे में करेंगे स्पीड कम हो जाएगी, दूसरे में करेंगे तो स्पीड और कम हो जाएगी, इस हिसाब से अपनी जरूरत के अनुसार वो स्पीड हम ले सकते हैं। ये इसका मेन गियर, तीन गियर दिए हैं ए रिवर्स के साथ, तो ये टोटल 16 गियर हो जाते हैं आगे और पीछे के मिला के। ये ब्रेक पैडल है, तेल में डूबी डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और यहाँ पर मिल जाता है डिफरेंशियल लॉक। और ये आगे भैया दूसरी कलाकारी, ये है इसका लिफ्ट का सौदा, इतना ज़बरदस्त चीज़ बनाई है ना भाई पूछो ही मत। इसमें आप लिफ्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी स्पीड से ऊपर आए कितनी स्पीड से नीचे जाए, और इसमें लिफ्ट की जो हाइट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपको लिफ्ट किस हाइट पर रखनी है, और इस बटन से आप लिफ्ट को ऊपर कर सकते हैं और एक बटन से नीचे कर सकते हैं, और इससे आप अपने हल की गहराई को सेट कर सकते हैं, 6 इंच पर रखना है 7 इंच पर रखना है, इस हिसाब से अपने इंप्लीमेंट को सेट कर सकते हैं। अगर हल फंस जाए तो एक बटन दबाया, इस बटन को दबाया हल बाहर, और दूसरे बटन से उसको लॉक भी कर सकते हैं, अगर लिफ्ट को लॉक करना हो तो एक बटन दबा के अपनी लिफ्ट को लॉक भी कर सकते हैं। और ये सिस्टम आपका जो कंप्यूटर लेवलर होता है उसके साथ भी काम करता है, ये समझ लो कंप्यूटर यहाँ पर लगा के दे दिया, आपको सिर्फ लेवलर खरीदना है, अलग से कोई और सिस्टम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो मडगार्ड पे साइड पे पड़ा देखते होंगे ना तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से सारा काम हो जाएगा। तो भाई ये था एक ज़बरदस्त मैसी के जो फीचर हैं वो मैंने आपको दिखाए।